फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका राइज लॉक्स पे। तो आज हम कुछ अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार वैसे। तो जब मैं सर्विस पे अपने गया था, बुलेट की सेकेंड सर्विस थी जो मेरी, तो उसमें मैंने वॉशिंग नहीं करवाई थी। उसका रीज़न ये था मैंने कि जैसा कि बताया था कि पानी हार्ड है वहाँ का, मतलब खारा पानी है, तो इस वजह से मैंने वहाँ वॉशिंग नहीं करवाई थी। तो अब मैं कुछ अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। कुछ मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा था पहले भी अपनी बाइक्स पे और अपनी गाड़ी पे भी, और कुछ मैंने प्रोडक्ट न्यू भी लिए हैं, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो अभी वैसे बाइक की हालत थोड़ी सी ऐसी हो रही क्योंकि घर में भी काम चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपको पता लगेगा कि बाइक कितनी साफ और कितनी अच्छी, मतलब इनको यूज़ करने के बाद लगती है। तो एक बार मैं पहले बाइक दिखा देता हूँ किस तरीके की क्या कंडीशन है। आइए कम देख चुके हैं बाइक की हालत कैसी है अभी। तो जो भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं प्रोडक्ट आई मीन यूज करने वाला हूँ। तो चलिए आइए अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये अमेजोन से मैंने मंगाए हैं कुछ प्रोडक्ट्स। ये है माइक्रो फाइबर क्लॉथ, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे कुछ भी हो अमेजोन की पैकिंग बड़ी जबरदस्त होती है, अनबॉक्सिंग करने का एक अलग ही मजा है। ये आगे राजी भाई कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी ये है माइक्रो फाइबर क्लॉथ 299 अप्रोक्स 300 का ये मुझे पड़ा। तो ये चार का सेट है ये हमारा क्लोथ्स का, माइक्रो फाइबर का, मैं आपको जो दिखा चुका हूँ क्वालिटी वाइज ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया है, बाकी देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अनबॉक्सिंग है हमारी, कहाँ से खुलेगा भाई, पहले यहाँ से खुल। ये इसका बिल है 270 और ये है हमारा JM का शैम्पू। देखिए नहीं रहा ना कि ओपन होगा। तो ये है हमारा 3M कार केयर वॉश शैम्पू और ये मैंने 3M का प्रीमियम लिक्विड वैक्स मंगाया था। इसका मेन क्या है कि हम जैसे वॉशिंग कर लेते हैं बाइक को अच्छे से, तो उसके बाद ये क्या है पेंट को प्रोटेक्ट करता है और अच्छी एक जो पेंट की प्रोटेक्शन है वो करके रखता है, और डस्ट वगैरह ज़्यादा देर इस पर, मतलब हल्का सा कपड़ा मारो बाइक बिल्कुल एकदम क्लीन और साफ निकलती है, इससे डस्ट इस पर उगता नहीं है। तो नेक्स्ट अनबॉक्सिंग है हमारी, मुझे अनबॉक्सिंग करने में से बिल्कुल भी नहीं आती यार। वैसे कमेंट करके प्लीज़ आप मुझे बताना जरूर वॉइस वगैरह और सब कुछ ठीक आ रहा है ना समझ में आपको। अगर कुछ नहीं आ रहा हो समझ तो प्लीज़ मुझे कमेंट वगैरह ज़रूर करना ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार ठीक है। ये तो नहीं मंगाया था मैंने, काली कागज। ये है बिल, ये है हमारा पॉलिश, अल्टीमेट पॉलिश। इसकी कीमत लगभग आई है, मैं आपको बता देता हूँ, 850।
काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे रिव्यू है। बाकी मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं अब यूज़ करके देखूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसी है ये चीज़, आई मीन ये पॉलिश। तो ये चीज़ें थी कुछ जो मैं आपको दिखाई है, ये यूज़ करूंगा मैं कुछ चीज़ें। ये चीज़ मैं दो यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। ये मैंने नया मंगाया है, और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, ये भी मैंने जस्ट अभी मंगाया है। बाकी आपको मैं आगे बताऊंगा ये वॉश करने के बाद। तो लो जी, आ गया हमारा नेक्स्ट डे, बट डे भी नहीं, शाम हो चुकी है, तो थोड़ा सा टाइम नहीं लग पाया वॉशिंग वगैरह का। तो आज हम वॉशिंग करेंगे अपनी बाइक की, तो जो प्रोडक्ट्स थे आज यूज़ करेंगे, एंड बाइक क्लीन करके एकदम वॉश करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी बाइक हमारी दिखती है। तो आइए वॉशिंग करते हैं। देख सकते हैं आप सब, बाइक हो गई है वॉश बिल्कुल। Thank you.
तो भाइयों बुलेट की वॉशिंग हो गई अपनी मन मुताबिक तरीके से पूरी। सिनेमैटिक शॉट्स में आपने देखा भी होगा कि बाइक किस तरीके से अपनी शाइन कर रही है। तो ये एक फ़ायदा होता है एक अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करने का। हालांकि क्या होता है, कुछ लोग कोई भी शैम्पू ले लिया, कोई भी सर्फ ले लिया, घर में कोई भी कपड़ा हो वो ले लिया और बाइक होगी अपनी गाड़ी होगी उसको रगड़ दिया। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस तरीके से हम ये वॉश करते हैं, कोई भी शैम्पू या कोई भी सर्फ से हम वॉश करते हैं। इससे क्या होता है कि बाइक का या गाड़ी का जो भी हम वॉश कर रहे हैं उसका कलर धीरे धीरे डल होना शुरू हो जाता है। हालांकि उस टाइम पे तो क्लीन दिखती है गाड़ी बाइक, लेकिन कुछ टाइम बाद वो डल होना शुरू हो जाता है। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। तो राही में आज इतना ही। इंस्टा पे जो मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना, और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को नया देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलते हैं।